करके गोवर्धन का पूजन किया तो इंद्र ने मेघों को बुलाया, मेघों को, और मेघों को बुला करके कहा चले जाओ और जा करके वृंदावन पर इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि जलो पूरो वृंदावन डूब न जाए, तलो बरसते रहो। मेघ चले, चलते 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 मेघ पहुंचे कहा वृंदावन पर, और जैसे ही मेघ वृंदावन के पास में पहुंचे, पहुंच करके काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे, बिजली कड़कने लगी। अरे विजयपाल भैया जी सिमरिया से आए हैं और इनका ये एक फरमाइश है। छाने लगी और जब काली काली घटाएं छाने लगी तो छाने के बाद में इधर बारा सारे वृंदावन वासी घबराने लगे, और जब वृंदावन वासी सभी घबराने लगे तो घबराने के बाद में महाराज बारिश होने लगी बहुत तेज। जब बहुत तेज वर्षा होने लगी तो होने के बाद में आज ध्यान रखना कि सारे वृंदावन वासी चले हैं
और नंद के पास में पहुंचे और नंद के पास में पहुंच करके बोले, बाबा मैंने आपकी कन्हैया की बात मान करके मैंने इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया। और अब देखो इंद्र नाराज हो गए हैं, जल की वर्षा कर रहे हैं, और अगर ये पानी लगातार बरसता रहा तो फिर वृंदावन डूब जाएगा, हम सब मारे जाएंगे, बाबा हमारी रक्षा कौन करेगा। तब तक भगवान कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, जिनका हमने पूजन किया है भाई हमारी रक्षा भी करेंगे। अच्छा मैया जब बताओ, अब कथा को आज को दिन तो जमाना चलो ही, कल को दिन और रही हो तो कथा कम से कम एक दो तो बजे ही जाए वो तो। हाँ आज और कल तो कोई दिक्कत तो ना है? एक बजे तक बैठ ही रहे हो? झूठी गाती मुझे पता, तुम झूठी गाती तो मैं नींद को झोंका लगा सोई चल दी। और एक खासियत हमने माताओं में देखी है, आई तो संग सहेलियों को संगे लेके आई है, और जाइए तो अकेली ना जाइए, चलो चीची नींद लगन लगी, चलो चीची सब संग ही लिवाए के जाइए। बोली गोविंद भगवान की, कोई नहीं जाएगा आज, ठीक सब यहीं बैठे रही हो आज। ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षक महाराज। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कि जिनकी हमने पूजा की है भाई हमारी रक्षा भी करेंगे, आप हमारे साथ चलिए। तो भगवान ने सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया और साथ लेकर के भगवान चले, और चल करके महाराज आज गोवर्धन महाराज के पास में पहुंचे। अजय पाल झुरकुरिया से, इनकी तब से 111 रुपए आए हैं, भैया जी का एक वजन है। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे